कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। पहला बम ब्लास्टिंग हुआ था 22 तारीख को सुबह ऐसे 4:30 बजे के करीब में, मैं और मेरी दो रूममेट पाकिस्तानी फ्रेंड थे, और अचानक से ब्लास्टिंग वगैरह होने लग गया, तो अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो एक पाकिस्तानी फ्रेंड थे उसके दोस्त वगैरह थे, तो वो उनके साथ निकल गए, और मैं एक रूममेट गजाला थी वो मेरे साथ थी जो पाकिस्तानी। फिर हम सोचे कि चलो नॉर्मल हो जाएगा, हमने राशन वगैरह खरीद के रख लिया। फिर क्या हुआ कि दिन भी चला गया, रात को ऐसे सुबह 4 बजे हम दोनों सो रहे थे, तो अचानक से बम ब्लास्ट हुआ। तो हम दोनों अचानक से मतलब उठ के बैठ गए, जैसे हमें लगा कि कुछ दूर हुआ है। जैसे हमने पर्दे खोला, मतलब हमारे आँख के सामने बिल्डिंग गिर रहा है, ऊपर से इतने गंदे तरीके से, मतलब वो लाइटनिंग हो रही थी, साइरन बज रहा था, वो हमारे सारे कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक मेरे घर से फ़ोन आया दीदी का कि फिर मेरे मुंह से निकल गया कि दीदी हमें बचा लो, अब हम नहीं मतलब हम मर जाएंगे, अब जैसे ये सिचुएशन है, जिस तरीके से सब चल रहा है, हम मर जाएंगे। फिर हमने क्या डिसाइड किया, मैंने और पाकिस्तानी दोस्त ने, कि हमें निकलना है यानी से एनी हाउ। तो हम एक दूसरे के साथ होके वहाँ से ट्रेन तक गए, भुगजाला स्टेशन है जो वहाँ पे गए। वहाँ पे भी हमें 12-13 घंटा लग गया ट्रेन में चढ़ने के लिए। वहाँ पे भी फायरिंग हो रही थी, हम भाग के अंडरग्राउंड जा रहे थे, भाग के बॉम्ब शेल्टर में भाग रहे थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फाइनली 12-13 घंटे के वो मार पिटाई के बाद हमें मतलब ट्रेन में घुसने को मिला। हम नीचे बैठ के मतलब एनी हाउ हम लोग चढ़ गए, हम रोमानिया के लिए जा रहे थे, बट अचानक से ट्रेन रुक गई 2 घंटे के लिए। तो खारकिव में मिसाइल वगैरह छोड़ा था इन लोग ने, एयर अटैक हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि हमारा ट्रेन में मतलब सारा लाइट ऑफ करके हमें रुकने के लिए बोला, साइरन वगैरह बजने लगा कि शांत रहो आप लोग। फिर उन्होंने अचानक से बोला कि रोमानिया नहीं जाएंगे, हम लविव जाएंगे जहाँ पे पोलैंड बॉर्डर है। फिर हमने ठीक है हम लविव जाते हैं, क्योंकि इंडिया सरकार ने बोला था आप पोलैंड जाओ, हंगरी जाओ या रोमानिया जाओ, कोई भी बॉर्डर जाओ, एटलीस्ट बॉर्डर पे पहुंचो आप सही सलामत। फिर हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे मतलब लविव पहुंच गए। लविव से हमने टैक्सी लिया जो कि 150-200 वहाँ के करेंसी में होता है, तो हमें $300 लिया। फिर हमने ठीक है चलो अब जान बचाना है, जैसे भी भाग चले। फिर हम भागे, 2 दिन हो गया था, 2 दिन 2 रात हो गया था हम घर से निकले हुए। फिर हम लोग आधा रास्ते तक टैक्सी से गए, वो टैक्सी वाला ने कहा कि आप थोड़ी देर चलोगे तो आपका पोलैंड बॉर्डर आ जाएगा। हम चलते रह गए, कम से कम 8-9 घंटा चले, मतलब 30 किलोमीटर चले हम लोग, तब मुश्किल से पोलैंड बॉर्डर आया। ना पानी पिए, ना खाए पिए, 3 दिन बहुत मुश्किल से हमारा गुजरा। और मैं और मेरी रूममेट बहुत मतलब साथ थे, मतलब एक दूसरे के साथ, मैं इंडियन को ढूंढ रही थी, मतलब ऐसे सिचुएशन था कि कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा था। फाइनली हम बॉर्डर पहुंचे, बॉर्डर पर भी इतने ठंड था, ना खाने की सुविधा था, वहाँ पर भी हमें 8-9 घंटा 10 घंटा हमें लग गया। बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पर क्या हुआ कि उन्होंने एक गाड़ी बुलाया, मतलब गाड़ी से उस पार ले जा रहे थे, तो जो बकरी वगैरह नहीं लाते जिस तरीके से, हमें मतलब पूरा बंद करके अंदर गाड़ी में ले गए, और उस गाड़ी में हमें 5 घंटे अंदर रखा, जो कि हमें सफोकेशन हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी हमें एग्जिट हुआ, हम पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें ब्लैंकेट दिया खाने के लिए, पीने के लिए कुछ। फाइनली 3-4 दिन 3 दिन बाद हमें नसीब हुआ। फिर मैंने बाहर निकल के मैंने कहा इंडियन एम्बेसी का कैंप बताओ, मुझे जाना है। दे वॉज लाइक कि नो इंडियन एम्बेसी। मुझे फिर मैंने एम्बेसी पे कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया, और मतलब सारी जगह मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो मेरे पापा लोगों ने उन्होंने हग किया कि एटलीस्ट इसको कहीं से निकालें। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर हमने बॉर्डर से वहाँ से उन्होंने फ्री कैब वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ से मैं वारसा चली गई, जो सिटी है जो कि वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है। तो इमीडिएट उसके कल होके मैंने पापा लोग से बुलवा के फ्लाइट करवाई वारसा से दोहा, दोहा से दिल्ली, और दोहा में भी मेरा 12-13 घंटे का ट्रांजिट था, मैं वहाँ पे वेट किया इतना देर। फिर यहाँ दिल्ली आते ही शुक्र कीजिए कि एटलीस्ट कुछ हेल्प मिला। जैसे आई मैं वहाँ पे बिहार सरकार का, सारे अपने अपने स्टेट का मतलब सब कुछ लगाया हुआ था, मैं बिहार सरकार के पास गई तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने हौसला दिया, चाय कॉफ़ी पिलाया मेरे को, उन्होंने कहा आप टेंशन ना लीजिए, आप अकेले हो कोई ना, आपने बहुत ब्रेव तरीके से आप यहाँ पे आ गए,
अब हम आपको सही सलामत हम आपको घर भेज देंगे, आपका हम फ्लाइट करवा देंगे, सब कुछ हम करवा देंगे। फिर जो रोमानिया से आ रहे थे वहाँ से 6-7 बच्चे आए थे, तो उनके साथ मेरे को सुबह 5 बजे की पटना की फ्लाइट करवाई उन्होंने। फिर मैं 7 से 7:10 तक पटना पहुँच गई थी। बहुत फंसे हुए, जैसे कि आज सुनने में आ रहा है कि अभी एक बच्चे को गोली लग गया जो स्टेशन पर जा रहा था ट्रेन के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया सरकार की उन बच्चे को जैसे हो सके, मतलब जितना जल्दी हो सके, अभी बहुत बच्चे फंसे, सारे बच्चे बॉर्डर तक नहीं आ पा रहे क्योंकि सिचुएशन बाहर बहुत ख़राब है, तो जितना जल्दी हो सके उनको इवैक्यूएट करें, जितना जल्दी हो सके बच्चे को बाहर ले आएँ।